दामों में लगातार आ रही गिरावट को देखकर ठाकुर सतप्रकाश ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बागवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के झूठे बहकावों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार की नाकामयाबी का ही सबूत है कि आज बागवानों का ये हालत है। सरकार को चाहिए कि वे किसानों की मदद करें और साथ ही किसान बिल को भी वापस ले लिए। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, इसका विशेष महत्व है क्योंकि हिमाचल एक सेब राज्य है, फल राज्य है, फल सब्जी राज्य है। हमारी जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है, सारी फल और सब्जियों पर ज़्यादा निर्भर है और इन्हीं जो है नकदी फसलों की वजह से, कैश क्रॉप की वजह से हमारा जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। हमारे जहां पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, रोजगार खत्म है और सरकार की, भाजपा सरकार की, देश के और प्रदेश की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से गरीब और आम आदमी जो मध्यम वर्ग का, उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। इस बार सेब की फसल भी कम हुई है, पर उसके बावजूद सेब की जो कीमतें हैं मार्केट में बहुत डाउन चली गई है। कुछ दिनों तक तो अच्छा सेब 30 रुपये का किलो पेटी में बिक रहा था, अच्छा से। उसके अलावा टमाटर की तो आप समझिए कि कोई कीमत ही नहीं है, टमाटर सड़ रहा है, अनार के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये सरकार का जो प्रबंधन है उसमें कमी है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो हमने कोशिश की थी कि जैसा हिमाचल निर्माता डॉक्टर बाईयास परमार चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में हमारे फल सब्जियों के ग्राहक यहाँ आए, क्योंकि अभी तक भी काफ़ी समय तक ये सारी बायर्स मार्केट थी। बायर्स के मार्केट का मतलब यहाँ से हम सेब पंजाब, दिल्ली, बाहर के राज्यों में ले जाते थे, वहाँ जो व्यापारियों, जो आढ़तियों की मर्जी होती थी वो पैसे हम पर लगाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो सेब का पैसा भी गया, सेब पे जो डब्बों का पैसा वो भी गया, उसके बाद ट्रक का किराया भी खुद भरना पड़ता था। फिर जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कोशिश की कि अपने यहाँ की सब्जी मंडियों को मजबूत करें ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है ये बायर्स मार्केट बने, जैसे कि सेलर्स मार्केट बने, जैसे कि डॉक्टर परमार चाहते थे कि जो ग्राहक है दिल्ली, मुंबई, मद्रास से हिमाचल की मंडियों में आए और यहाँ से खरीदो फरोख्त करें। मैं बागवानी मंत्री रहा तब भी कोशिशें काफ़ी की हमने, सीए कोर्स की, कोल्ड चैन के लिए हमने कोशिश की, पर वो अभी तक भी फलीभूत नहीं हो पाई। मैं जब हिमाचल प्रदेश स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन था, हमने पूरी कोशिश की कि हम प्रदेश की जो मंडी है उनको आधुनिक बनाएं और हमने देश भर के जितने भी आढ़ती या व्यापारी हैं उनको हिमाचल प्रदेश में बुलाए। और उससे क्या हुआ, क्या ये सेलर्स मार्केट बनी, यहाँ जो हमारे बागवान हैं, जो फल सब्जी विक्रेता, जो उनकी इच्छा हो उसके मुताबिक दाम मिलते थे। ये सब्जी मंडियाँ बहुत अच्छी चली, सेब के बहुत अच्छे दाम मिले, सेब तो यहाँ तक पहुँचा कि लोग यहाँ लोकल सब्जी मंडियों में जो है करेट में जो है वो सेब और फलों को भेजने लगे, उस पर उनको कीमत अच्छी मिलने लगी।
बाहर का जो आड़ती है व्यापारी है वो घबरा गया कि अब तो जो है हमें अच्छे मूल्य इन चीज़ों के देने पड़ेंगे। मुझे खुशी कि जब मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना, मैंने एक नीति बनाई, तब तक सारे हिमाचल प्रदेश की मार्केट बोर्ड का जो रेवन्यू अर्निंग थी 5 करोड़ थी, मैं उसको 25 करोड़ तक ले गया था और आज तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो सब्जी मंडियाँ को आधुनिकतम बनाई, जिसमें हमने अपने मार्केटिंग बोर्ड का पैसा भी लगाया प्लस स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी ली, भारत सरकार की कई स्कीमें थे उनको भी इम्प्लीमेंट किया, जिस वजह से कि बाहर का व्यापारी यहाँ आने लगा था। मुझे दुख है कि आज जो हमारे जो बागवान है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। उनको सेब का लाभकारी मूल्य तो नहीं मिल रहा है, लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो समर्थन मूल्य बढ़ा देते। अगर उन्हें लगातार समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाना है तो ये घोषणा करते कि जब तक सेब की जो कीमत है या जो दूसरे फल उनकी कीमत बिल्कुल डाउन चले गई है, तब तक का जो गैप अरेंजमेंट है वो उसको करते, इसको माइक्रो लेवल पर देखते और भारत सरकार से बात करते। तो कहते डबल इंजन की सरकार है तो भारत सरकार से पैसा लाते, और कोई पैसा नहीं, जो इसी मद में है हॉर्टिकल्चर के उसी में से लाते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसा है, उसका क्राइटेरिया बढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो मतलब कि पिछला क्राइटेरिया उसी में से होगा, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो है भारत सरकार का दोनों के हिस्सेदारी होती है। तो अभी जो मैंने पढ़ा पेपर्स में, हिमाचल प्रदेश के मंत्री और दूसरे लोग कहते हैं कि जो सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो आपने तो पहले जो हमारे जो सेब पैदा करने वाले, फल पैदा करने वाले, सब्जी पैदा करने वाले एक पहले इशारा दे दिया जो है बाहर के आढ़ती या व्यापारी कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनकी मदद के लिए नहीं आ रही है। दूसरा एक गलत संदेश और ये दे दिया कि सब क्रेट में भरे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है कि हमने जो है कांग्रेस सरकार के बीच में मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री रहा, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का मैं चेयरमैन भी रहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, तो उस वक्त हमने ये किया था कि ये जो यहाँ की जो थे मार्केट को, मैंने कहा कि हमने ये जो है हमने ये मार्केट बनाई थी बेचने वालों की मार्केट, जो हम सेल पैदा करते हैं हमारे दाम पर जो है ग्राहक खरीदे तो हमारी मंडियों में आकर के आते थे। उसके लिए हम कोशिश भी करते थे, प्रचार भी करते थे और कोशिश करते थे कि बाहर के व्यापारी को किसी ढंग से यहाँ लाए। तो मैं समझता हूँ कि आज की सरकार की तरफ से उसमें जो उनका ध्यान है नहीं है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सेब उत्पादक हैं, पर फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं सबका जो तालमेल बिठा के इसको कर रहे हैं। अगर वो सारी जो APMC जितनी है वहाँ की सब्जी मंडियों को ठीक ढंग से उनका प्रबंधन करे और उनको कहे कि आप एडवर्टाइजमेंट दो, बाहर के व्यापारियों को यहाँ बुलाइए, उनको सुविधाएँ दीजिए, और उसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आते हैं उनको सुविधाएँ दीजिए, जो छोटी गाड़ी लेके आते पिकअप वैन वगैरह, तो जो बाहर से जब ग्राहक आएगा उनको यहाँ सुविधा होगी, तो कुदरती बात है वो यहाँ फल लेगा, और जब यहाँ आएगा वो तो जो हम जो बागवान है जो हम कहेंगे उस कीमत पर वो लगभग तैयार रहेंगे। ये बात भी ठीक है कि जो है कि मतलब जो निर्धारित कीमत होती है इसमें बड़ी बात होती है कि डिमांड और सप्लाई का सवाल, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रबंधन की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हिमाचल का जो एप्पल है सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा सेब और इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है। आपकी चाहे USA का सेब है, चाहे न्यूजीलैंड का है, किसी और देश का, मैंने खुद देखा इवन किसी और देश का, मैंने खुद देखा इवन चाइना का है। मैं इन सब जगह में गया हूँ एज ए मिनिस्टर और एज ए हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। जो गुणवत्ता, जो रस, जो मिठास हमारे हिमाचल की सेब है, जो खुशबू जो हमारे यहाँ की सेब की है, वो देश में किसी और सेब की नहीं है।